यहाँ आओ। मुस्तफा, दिलरुबा। मैं कौसम के पास जाना चाहता, मुझे उनके शहजादे के साथ खेलना है। क्या करोगे वहां जाकर? शहजादा उस्मान और शहजादा मेहमत दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं मुस्तफा। दिलरुबा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जाओ अपनी बहन के साथ जाकर खेलो। कई महीने हो गए, सफिया सुल्ताना की खबर नहीं आई कोई। कुछ हो जाए वो अपनी खसलत तो नहीं बदल सकती। तुम देखना, वो इस महल में बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। बस वो तूफान के थमने की मुंतजर है। मेरे आका, वजीर आजम लाला मेहमत पाशा दीवान में बेहोश हो गए हैं। तबीयत तो ठीक है उनकी? जी, अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है, हकीमों ने देख लिया उन्हें। सफर का हुक्म मिलते ही दरवेश पाशा से बहस करते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और तो और, दरवेश पाशा का यह कहना है कि वजीर आजम ये जानबूझकर कर रहे हैं। इसकी वजह? सफर पे ना जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं उनके ख्याल से। लेकिन मैं दरवेश पाशा के साथ हम ख्याल नहीं हूं। लाला मेहमत पाशा इस तरह के खेल खेलने वालों में से नहीं है। मेरी जान ले ली जाए। कौसम खातून, इजाजत। मेरे आका। कहो कौसम। बहुत शर्मिंदा हूं मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई। उसके अजाले में कई खतूत भी लिखे मैंने। हमें तुम्हारे खतूत मिले थे, लेकिन उन खतूत में तुम नहीं थी। सच कहा, जिस कौसम को आप ढूंढ रहे हैं वो तो कब की मर चुकी मेरे आका। सफिया सुल्तान है उसकी वजह। अभी भी तुम बहाने बना रही हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बता रही हो। तुमने मेरे दिल में जगह बनाई थी कौसम। जो कि अब नहीं। जाके अपने बच्चे का ध्यान रखो। अहमद, अब आप एक बाप बन चुके हैं और अब आप मोहब्बत का असल मकसद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे बाबा मुझे ढूंढते हुए बहुत मुश्किल से इस महल तक पहुंचे थे। तुम्हारे बाबा? जब मेरे बाबा यहां पहुंचे तो सफिया सुल्तान ने उन्हें कैद में डाल दिया और उन्होंने मुझे उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और मुझसे कहा कि मैं आपसे कहूं कि सफिया सुल्तान के बगैर इस महल का निजाम चलाना नामुमकिन है।
तभी वो मेरे बाबा की जान बख्श देगी। मैंने वो सब झूठ अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए बोले, मगर फिर भी उस सफाक औरत ने मेरे बाबा की जान नहीं बख्शी। काश मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होते। और इसी वजह से मैंने सफिया सुल्तान को इस महल से निकालने के लिए मैंने शहजादी फारिया के रास का इस्तेमाल किया। मुझे बाबा के गम को भुलाने के लिए एक चीज की जरूरत थी और वो था आपका प्यार। लेकिन जब आपने मुझसे मुंह फेर लिया तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई और मुझे ये लगने लगा कि मैं अकेली हो गई। शहजादी, तुम्हारा यहां क्या काम मेहमद? आप जानती हैं मैं यहां पे क्यों आया हूं। हमारे लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। हर चीज माजी में रह गई है। तुम्हारी वजह से मैं मारी जाती, अब तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। बहुत दुख पहुंचाया है तुमने मुझे, बहुत दुख। नफरत हो गई है तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से, हर चीज से नफरत। ये सब सच नहीं है, दिल से नहीं कह रही आप ये बात। मैं तुम्हारी खातिर अपने खानदान को तबाह करने पर तैयार थी, उसी गुनाह की वजह से यहां हूं। जानते हो इन दीवारों के बाहर मौत मेरा इंतजार कर रही है। और तुमने क्या किया? मेरे बदले शाहीन गिराए की जिंदगी को चुना। तुम्हारी बीवी बनने से बेहतर एक गुलाम की कनीज बनना बेहतर। शहजादी, अगर तुम यहां से ना गए तो इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि पूरी सल्तनत हिल जाएगी। मुझसे बेवफाई का हिसाब सुल्तान अहमद तुमसे लेंगे। आइंदा कभी ये शक्ल तक न दिखाना मुझे। तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी खुशबू ही मेरा असल घर है अहमद। तुम मेरे लिए वो उम्मीद हो मेरी जिससे मैं ना उम्मीद ना होंगी। कौसम मेरी जान, मेरी नूर नजर, जिसने हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, उसे मैं कैसे माफ कर सकता हूं। सफिया सुल्ताना को सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं।
क्या आपको अपने भाई की बिल्कुल याद नहीं आती मेहमत? शाहिद, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी नीयत क्या है? जब तुम मुझे छोड़ के नहीं गए मेहमत, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चला जाऊं? और अब शहजादी फारिया ने भी अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है, तो मुझे एक मौका और मिल गया मेरे भाई। अब तक तुम्हारी तलाश जारी है, यहां कोई देख ना ले, चलो कहीं और चलते हैं। जल्दी। कहां रह गई कौसम सुल्तान? कहीं ऐसा तो नहीं आका ने उन्हें जंदान में डलवा दिया हो? फजूल बातें मत करो। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होना ही था, मैंने आपको मना किया था मत जाएं, आका और नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जन्नत, परेशानी खत्म हो गई, आका ने माफ कर दिया मुझे। अल्लाह का शुक्र। ये कैसे हुआ? आपने ऐसा क्या किया कि उन्होंने आपको माफ कर दिया? जो मुझे पहले करना चाहिए था, उन्हें हकीकत बताई कि मेरे बाबा की सफिया सुल्तान ने किस तरह से जान ली। मेरा बच्चा। आपके बारे में मुझे हर रोज एक नई बात पता चलती है। जो कुछ आप आज तक मुझसे छुपाती आई हैं, वो सब कुछ मुझे पता चल चुका है। आका, हम हर किस नहीं जानते। कौसम ने बताया है मुझे सब कुछ कि क्या किया है उसके बाबा के साथ आपने। खैर ये तो है, यहाँ क्या हो रहा है, ये कैसा शोर है? आका तशरीफ लाए हैं मलिका, वो सफिया सुल्ताना के पास है। इल्जाम है ये, हम नहीं चाहते। मैंने हमेशा आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, हर हाल में मैंने आपकी इज्जत पर आंच ना आने दी। आप मेरे मरहूम वालिद की अमानत हैं, लेकिन अब सब खत्म, मेरे सब्र की भी एक हद है। हमारे प्यारे पोते अहमद, हमने आज तक जो कुछ किया है उसकी सजा भुगती है, तो इसे भी भुगत लेंगे। अच्छा, तो फिर ये बात कान खोल कर सुन लीजिए कि आज के बाद मैं आपके खर्चे बंद कर रहा हूं। आपका जितना माल और मलकियत है वो सब का सब बैतुल माल में डाल दिया जाएगा, और आज के बाद से आप खजाने से एक अशरफी तक नहीं ले पाएंगे, और ये हमारा हुक्म है। वालिदा, सब ठीक तो है ना? क्या कोई मसला है बेटा? आपको लेने आया हूं वालिदा, आपका असल मुकाम ये नहीं, महले हुमायूं है। वहां पर हमें वालिदा सुल्तान की जरूरत है। मेरे बेटे, क्या ये सच है जो मैं सुन रही हूं? सब सच है वालिदा, जाने की तैयारी कीजिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आका ने अपनी वालिदा हंदान सुल्तानों को बख्श दिया है, उनकी सजा खत्म हो गई है, वो महल वापस जा रही हैं। बुलबुल, अपने ऊपर से मौत की मिट्टी हटाने का वक्त आ गया है। शुक्र है मेरे रब का, क्या आपका चेहरा फिर से खिल उठा। कसम खुदा की
दुख और तकलीफ की वजह से आपका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है। बताएं आपने ऐसी क्या बात सोची है कि जिसकी वजह से आपका चेहरा फिर से खिल उठा। समझो सुल्तान अहमद का वक्त खत्म, अब वो इस तख्त पर ज्यादा अरसे नहीं बैठ सकते। खानजादे महमद गिराए, खुशामदीद। शुक्रिया, अल्लाह इसे खैर का वसीला बनाए। कोई खास बात है या इस मर्तबा भी वजह शाही नहीं है? जमीन में छुपा हो या आसमान में, आपको तो जरूर मालूम होगा कि वो कहां है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे किसी चीज की कोई खबर नहीं और ना ही उससे रब्ता है। शहजादी फारिया को महरा बनाकर शाहीन ने खानदान उस्मान को खत्म करने की कोशिश की, हो सकता है आपका भी इसमें हाथ हो। जब उनका दूसरों से खुफिया रब्ता हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं, आप तो उनके भाई हैं। अच्छा, मगर ये बात मैं जानता हूं कि शाहीन गराए को ढूंढने में आप हमारी किसी किस्म की मदद नहीं करना चाहते। क्या सच में आपसे कोई रब्ता नहीं किया? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल है खानजादे, अगर आप पर भरोसा ना होता तो इतना कुछ हो जाने के बाद आका क्या आपको माफ करते? अगर मैं आपकी जगह होता तो शाहीन गिराए जैसे गद्दार को हर सूरत ढूंढकर आका के सामने पेश कर देता। गद्दार को ढूंढने की बात कर रहे हैं आप दरबाने खास? हो सकता है वो आपके बहुत करीब हो, बिल्कुल नाक के नीचे। लेकिन उसे देख नहीं पा रहे। मेरे आका, औलाद खुदा की तरफ से दी जाने वाली सबसे खूबसूरत नेमत है। बहैसियत बाप अब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। खुदा इन पे आपका साया कायम रखे। आमीन। मैं इनको अपने जैसा बल्कि अपने दादा जैसा बहादुर बनाऊंगा। यह है खानदान आले उस्मान का सुनहरा मुस्तकबिल। खुदा इन्हें अपनी अमान में रखे। आमीन। आका आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे। कौसम तुम रुको। कैसे हो गया? आका के दिल से तो कब की उधर चुकी थी कौसम, फिर दोबारा से उन्हें मुट्ठी में कैसे कर लिया? अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने क्या किया है,
इसके पीछे जरूर कोई चाल है फिरदौस, जरूर ऐसा कुछ है जिससे हम अनजान हैं। आज के बाद मुझे एक एक पल की खबर चाहिए कौसम की। क्या पता वो आका के क्या कान भरे हैं मेरे खिलाफ। आपकी गैर मौजूदगी में महले हुमायूं में तो सन्नाटा हो गया था। अल्लाह का शुक्र है आप वापस आ रही हैं। इतने महीने में यहां कैसे रही हूं ये सिर्फ मैं जानती हूं। क्या सफिया सुल्ताना अंदर है? जी अंदर है, मैं खबर कर देता हूं। बुलबुल आका, जरूरत नहीं है। बुलबुल आका, मैं बहुत फिक्रमंद हूं। हाँ जी आका, कहना क्या चाह रहे हो तुम? तुम कब हमारी सफ में आकर खड़े हो गए? जन्नत को देखो, वो कितनी अकलमंद खातून है। सही रास्ता ढूंढा उसने। जन्नत मेरे लिए मर चुकी है, मर चुकी है वो। मानता हूं अभी हम पे थोड़ा बुरा वक्त है और हम अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि इंसान का एक जैसा वक्त नहीं रहता और हमारा भी अच्छा वक्त चल जाएगा इंशाल्लाह। आका ने तुम लोगों के पर काट दिए हैं और तुम उड़ने की बातें कर रहे हो। ये उड़ान नहीं है, हकीकत है हाजी। हमारी ये तारीखी जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम अंधेरे में गुम हो गए तो सवेरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मलिक, मैं आपको खुदा हाफिज कहने आई थी। अफसोस कि अब आपको यहां अकेला रहना पड़ेगा, अकेले और लाचार, बिना आसाइशों के। हमें इन लफ्जों की जरूरत नहीं आंदान, इसलिए इन्हें अपने पास रखो। वैसे कैसा इत्तेफाक है मलिका, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आपको आपकी बेटी देगी। चाहे जितना छुपा लें आप उसे, आखिर को वो मिलेगी दरगाह से ही। हम तुम्हारी ख्वाहिश बखूबी जानते हैं, लेकिन वो पूरी ना होगी, क्योंकि शायद तुम ये बात नहीं जानती हो, जो लोग आका के इर्द गिर्द हैं वो शहजादी को माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, खासकर फारिया के शौहर दरवेश पाशा। आपकी जगह मैं होती तो दरवेश पाशा पर कभी इतना भरोसा ना करती। आपको क्या लगता है आपकी बेटी का एतराफनामा कौसम को किसने दिया होगा? कौसम और दरवेश मिलकर आपके खिलाफ चालसाजी कर रहे हैं। आपको महल से निकलवाने और आपकी बेटी को फंसवाने में उन दोनों का ही हाथ था। खुदा हाफिज मलिका। अब हमारा भी खानदान होगा। हाँ बिल्कुल, अब हम मुकम्मल हो गए। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ बहार ही बहार होगी। खिजा खत्म हो चुकी है, तुम मेरी जिंदगी में उजाला बनकर आई हो। तुम आज जितना प्यार मुझसे करते हो, वादा करो हमेशा यूं ही करते रहोगे। होशियार, वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं।
गौरमत आगा, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना। यकीन करो, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मेरी जबान कट जाए। खुदा के लिए मुझ पे तरस खाओ आगा। परवाने, तुम कितना बोलते हो? बदतमीजी सर चढ़ के बोल रही है, देखो तो कैसे जबान चला रही है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुमने शहजादी के दिल के मामले में दखल अंदाजी की, बताओ। हाँ, हद होती है बुलबुलागा, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। इन बालों के लिए कितने मरहम बनाए मैंने। बड़े एहसान फरामोश हो। कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है? हाँ बताओ मुझे। पुराने महल से तमाम सामान आ गया है क्या? जी मलिका, आज से आप वालिदा सुल्तान के हुजरे में रहेंगी। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मलिका, हलीमा सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो। मलिका, आपको यहां देख के खुशी हुई। पहले तुम ज्यादा अच्छा झूठ बोल लेती थी हलीमा, अब क्या हुआ? वापसी से कहीं तुम परेशान तो नहीं हो गई कि अब तुम्हें काफी एहतियात करनी होगी? इस महल में आज से सिर्फ एक वालिदा सुल्तान होगी। तो क्या आप वापस आते ही मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं मलिका? शायद आप भूल चुकी हैं कि आपको इस महल से आंसू महल क्यों भेजा गया था। शहजादे की जान लेने की कोशिश की थी आपने। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम्हारे बेटे के बारे में कौन बात कर रहा है? मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूं। अपना हर कदम एहतियात से उठाना, क्योंकि इस बार गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो ख्याल रखना कोई गलती ना हो। जा सकती हूँ। बताओ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ सफिया सुल्तान। शहजादी फारिया ने मेहमत ग्राय को खत पहुंचाने के लिए मुझे हुक्म दिया था। मैं करता भी क्या, मैं मजबूर था मलिका, कैसे मना कर सकता था मैं, वो भी आपकी बेटी शहजादी फारिया को। तो फिर क्या हुआ परवाने? वो दरवेश पाशा के लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे उनके पास लेकर चले गए। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा मलिका। मलिका, क्या करना है इसका? ले जाकर इसे समंदर में फेंकाएं? या अल्लाह, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं, किस बात की सजा दी जा रही है मुझे? चलो चलो, उठो फौरन जाओ। सुना नहीं तुमने, मैंने कहा जाओ। शुक्रिया मलिका, शुक्रिया। हानदान सही थी बुलबुल, दरवेश और कौसम मिलकर काम कर रहे हैं हमारे खिलाफ। हमसे मुस्कुरा के मिलते हैं और काम देखें इनके। इस अंधेरे कमरे में हमारा दम घुटता है, कुछ करो बुलबुल। मलिका, अगर हुक्म दें तो इस महल को गिरवा कर दोबारा तामीर करवा दूं मैं। बस आपका हुक्म चाहिए। खानदान सुल्ताना ने हमें खुलेआम धमकी दी है मनीक्षी, और हमें इसका कुछ करना होगा। क्या कह सकते हैं, शहजादे मुस्तफा को वो हाथ नहीं लगा सकती तो आपके पीछे पड़ गई। मैं आसान हदफ नहीं हूँ मनीक्षी, वो मुझे जानती नहीं। लेकिन मेरी मलिका, हमारा सफिया सुल्ताना से मदद मांगना क्या ठीक होगा? और कोई हल नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीते जी
अपनी मासूम औलाद का जनाजा अपनी आंखों से नहीं देख सकती। मलिका, आका ने मुझे माफ कर दिया है दरवेश, मैं वापस आ गई हूं। बेहद खुशी हुई सुनकर। खुशामदीद। शहजादी फारिया नामी गद्दार के साथ आपका निकाह अभी भी बाकी है, आका ने तलाक के लिए नहीं कहा आपसे। वो अभी भी दरगाह में है और जब तक वो दरगाह में है आका उनकी आकबत का कोई फैसला नहीं कर सकते। मैं भी मजबूर हूं। एक वक्त था जब तुमने मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने का जिक्र किया था, तुमने कहा था कि माजी से जान छुड़ा लोगे। बताओ क्या ऐसा कर सके? मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता मेरी मलिका, नामुमकिन है। इश्क की आग जितनी बुझाओ उतनी ही बढ़ती चली जाती है। क्या सफिया सुल्तान के खजाने का कोई सुराग मिला गोरबसाखा? अभी तक नहीं कौसम सुल्तान, लेकिन मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। सफिया सुल्तान आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करती और मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और था। सफिया सुल्तान ने परवाने आगा से सवाल जवाब किए हैं और वो जान चुकी हैं कि आप और दरवेश पाशा मिले हुए हैं। अब उनकी नजरें दरवेश पाशा पर हैं। दरवेश पाशा ने हमारे पीछे हमारे दुश्मन से हाथ मिला लिया है, वो कौसम से जा मिला है। नसू, दरवेश पाशा एक नासमझ खातून का साथ दे रहे हैं। ये बात बताने का मकसद है कि मुस्तकबिल में कहीं तुम भी कौसम खातून से जाना मिलो, ये कभी ना भूलना कि तुम उसे एक जजीरे से उठा कर लाए थे और वो आज हमारी दुश्मन बन चुकी है। दूसरी तरफ दरवेश पाशा हैं, जो आका के वजीर हैं और सबसे ज्यादा आका उन्हीं पर भरोसा करते हैं। अगर हमें ये तख्त की जंग जीतनी है तो हमें इन रुकावटों को हटाना होगा। मेरा इशारा दरवेश के साथ साथ कौसम की तरफ भी है। फिक्र मत कीजिए मलिका, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। मलिका, हलीमा सुल्तान आई है। सब खैरियत तो है कौसम सुल्तान? दरवेश पाशा, एक अहम बात करनी है आपसे। सफिया सुल्तान ये जान चुकी हैं कि शहजादी फारिया का खत आपने दिया था मुझे। ये कैसे मुमकिन है? और ये बात आखिर अब तक कैसे पहुंची? ये जानने के बजाय आप सफिया सुल्तान का सोचें पाशा। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी अब, क्योंकि उनकी कमान का रुख अब आपकी तरफ होगा। आका ने उनके पर काट दिए और अब मैं नहीं समझता कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं। उन्हें हर किस कमजोर ना समझे पाशा। मुराद पाशा वापसी के सफर पर गामजन है, इधर ने पहुंचने वाले हैं। अब देखना यह है कि उनके बादशाह से क्या मुजाकरात तय पाए हैं और वो क्या तजवीज पेश करते हैं। इंशाल्लाह खैर होगी मेरे आका। हमारा सफर के लिए निकलना कब मुनासिब होगा? आप हमारे साथ नहीं आएंगे जुल्फिकार, आप यहीं रुकेंगे और मेरे शहजादों की खास हिफाजत करेंगे। माफ कीजिएगा मेरे आका, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए आपकी यहां ज्यादा जरूरत है। मालूम है ना क्या करना है तुम्हें? जानती हूं आपा। आगा, आज रात काम हो जाना चाहिए।
चुकानी पड़ेगी तुम्हें। शहजादों और मलकाओं को मेरे पास अमानत छोड़ा गया है, उनकी हिफाजत के लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं।